हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है GSS 11 11 kg ब्रेक मशीन। दोस्तों इस मशीन में हम कंक्रीट ब्रेकिंग करते हैं, कंक्रीट तोड़ते हैं। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ है इसके अंदर, जो भी है, जो भी हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको 11 kg ब्रेक मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देकर बता रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, पूरा खोल के फिटिंग करूंगा, क्या दिक्कत है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए पावर टू रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। कस्टमर बोल रहे थे इस मशीन में थोड़ा स्पार्क हुआ, बहुत टाइम, एक घंटे के आसपास स्पार्क हुआ, फिर ये मशीन बंद हो गया। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे ऊपर जो थ्रेड नट है उसको खोलना है, 10 नंबर एलेंकी से, और 4 स्क्रू चारों तरफ खोल लेना है। मैक्सिमम इस मशीन में T25 का स्क्रू लगता है, स्टार भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप जो भी स्क्रू ड्राइवर लगा है उसको खोल लीजिए। यहाँ पे देखिए कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसके कारण हो सकता है, आर्मेचर के कारण हो सकता है, इसमें आर्मेचर, शायद आर्मेचर का कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए कार्बन पूरा खा चुका है। मैक्सिमम मशीन में ये बिल्कुल भी, अगर कार्बन ख़त्म हुआ है तो थोड़ा बहुत कार्बन 100% रहता है, अगर आर्मेचर सही है। अगर आर्मेचर सही नहीं है तो कार्बन पूरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़ोर से स्पार्क करेगा। तो यहाँ पर हमको, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट शॉर्ट हो चुका है, ये देखिए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट शॉर्ट हो चुका है। और इसमें आपको कोई भी, हम उसको वाय नहीं है, हमको चेंज करना पड़ेगा आर्मेचर। तो मैं आर्मेचर चेंज करूँगा, फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ खोल के मैं बताऊंगा और सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे ख़राब होता है, कैसे दिखता है ख़राब होने के बाद। तो यहाँ पे कॉइल के दो साइड में प्रेशर रहता है, दो पीस प्लास्टिक का रहता है, तो उसको हम खोल लेंगे, फिर उसका बैक कवर खोलेंगे, क्योंकि बैक कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको खोलना है पड़ेगा। यहाँ पर इसका जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा सीट प्लेट नहीं था, तो इसलिए किसी ने उसको डायरेक्ट कर चुका है, मशीन डायरेक्ट प्लग में गंजेंगे, ऑटो पिन में गंजेंगे, वो डायरेक्ट चला होगा, तो इसलिए हमको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, स्विच वगैरह जो भी ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, कॉइल देखिए यहाँ पे थोड़ा हिल रहा है, ये देखिए सबसे बड़ा कारण है, अगर आपका मशीन में बहुत आर्मेचर ख़राब हो रहा है एक महीना दो महीने के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल को थोड़ा चेक करना पड़ेगा उसका ओम कैसा है। अगर ओम सही नहीं होगा तो कॉइल आर्मेचर ख़राब, कॉइल आर्मेचर को ख़राब कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉइल में क्या हुआ है, उसका कॉइल जो दोनों साइड में जो रहता है उसका वायरिंग जो हुआ है वो हिल रहा है, तो इसके वजह से आर्मेचर ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हमें आगे तरफ खड़ना है, क्योंकि उसको सर्विसिंग करना है, सर्विसिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है तो इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4 ठोलें की मैं खोल चुका हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्राइकर पिन रहता है यहाँ से ऊपर में अगर खा गया है आपका मशीन में पूरा, तो इसके वजह से भी हमरिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे आप याद रखिए, ये ओरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं ओरिंग भूल जाते हैं, लेकिन आपको लगाना चाहिए, ये ओरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँगा, अगर आपको आपके मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ये ओरिंग निकाल लीजिए, फिर इसको भी निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं कंट्रोल डाइस, और उसके नीचे ये स्पेशल ट्यूब है। तो ये दोनों को निकालने के बाद ये देखिए आपको क्या करना है, बस इसका स्ट्राइकर को खोलना है, नीचे पकड़ लीजिए साइड से, मैं जैसे पकड़ा हूँ यहाँ पे, हम ऐसे आसानी से खोल, ये निकल जाएगा, ये देखिए इसको पकड़ के हमको इस स्ट्राइकर को खोलना है। और यहाँ पे ओरिंग आप चेंज कर सकते हो, अगर ओरिंग आपका सही है तो यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको ग्रीस डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मशीन को पूरा खोलेंगे, क्योंकि ये मशीन को हमको सर्विसिंग करना है। तो सबसे पहले ऐसे हम थोड़ा पीट लेंगे, क्योंकि ऊपर में जो ग्रीस कैप रहता है वो थोड़ा टाइट है, तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे हम पीट लेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। बाद में उसके बारे में बताऊँगा कैसे उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कवर, हाउसिंग का कवर खोल चुका हूँ,
तो यहाँ पे हम उसका चार ठो स्क्रू खोल लेंगे, जहाँ पे जो ग्रीस कवर रहता है उसमें चार ठो स्क्रू लगता है। अब बहुत मशीन में ये एलेंकी का स्क्रू लगता है, तो आप एलेंकी यूज़ करके भी आप खोल सकते हो। यहाँ पे ये नहीं खोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ये इसको बाद में मैं खोल लूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर में जो पिस्टन है तो उसको निकाल लेंगे। ऐसे ये निकल जाएगा, आप ये देखिए। और ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसके अंदर बॉल बेयरिंग है, ये देखिए, नीडल बेयरिंग जिसको बोलते हैं, तो ये है इसके अंदर। ये इसका जो बॉल रहता है, लंबा बॉल, वो निकल जाता है। ये थोड़ा ध्यान से आप उसको लगा सकते हो। अगर एक भी चीज़ कहाँ पे गुम हो गया तो ये बहुत दिक्कत करेगा, तो इसलिए आपको सावधानी से उसको रखना है। तो अभी हमको क्या करना है, मशीन को उल्टा कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे किया। उसका कॉगल जिसको हम बोलते हैं, गियर, नॉर्मली हम गियर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे निकल आ गया। और इसको कॉग होल बोलते हैं। हमेशा दोस्तों, अगर आप फ्री फायर कर रहे हो तो सब कुछ याद करना पड़ेगा, सब जितने भी फ्री फायर से, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉग होल ये निकल गया, और हमको उसको पूरा चेक करना है, उसका एक एक दांती जो रहता है, घाटी जो रहता है, वो सही है या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक एक पीस आपको चेक करना है, कहीं पर भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर सही है तो बिल्कुल सही है, आप उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे उसको नीडल वेयरिंग असेंबली बोलते हैं, ये जो दो ठो कॉग होल के नीचे रहता है उसको नीडल वेयरिंग असेंबली बोलते हैं। और एक है नीचे जो जिसमें आर्मेचर लगता है, जिसके ऊपर रोटरी सब लिप सील, यहाँ पे ये देखिए, इसको हम बोलते हैं नीडल वेयरिंग, नीडल रोलर बेयरिंग इसको बोलते हैं। और ऊपर जो लगा है कॉग होल के नीचे, उसको नीडल रोलर असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे ये हमर पाइप निकल गया, तो अभी ये लगभग खोल चुका है सारा स्पेयर। अभी हमारा क्या है, एक ही चीज़ है यहाँ पे कॉयल। तो कॉयल हमारा ये हिल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो पहले आपको बताया था, ये देखिए, ये जो कॉयल हिल रहा है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मिस्त्री क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं इसे। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ब्रेकर, बहुत बड़ा मशीन है, ब्रेकर मशीन है, ये बहुत वाइब्रेट करता है, तो इसलिए आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। तो इसको हमको फिक्स करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्मेचर में जो ब्रश होल्डर लगता है उसको हम खोल लेंगे। यहाँ पे ये निकल गया, और ये जो चीज़ है ये सीधा रहना चाहिए। अभी ये आर्मेचर पूरा निकल गया, हम अभी आपको दिखाएंगे आर्मेचर कम्यूटेटर कहाँ पे ख़राब हुआ है। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्मेचर का कम्यूटेटर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसका कम्यूटेटर शॉर्ट है। हम क्या करेंगे, इसको आर्मेचर चेंज करना है, क्योंकि अगर हम कार्बन लगा लेते हैं तो कार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका कॉयल का ओम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक दिखा रहा है 3.4, एक कॉयल हमारा 3.4 दिखा रहा है, और दूसरी तरफ हम मापेंगे, और यहाँ पे भी आपका 3.4 दिख रहा है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अगर 3.5 या 3.3 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए दोनों कायल में। तो ये कायल में एक ही दिक्कत है, ये बस दोनों साइड कायल हिल रहा है। तो हमको सबसे पहले ये जो हिल रहा है इसी का ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उसको फिक्स करने के लिए बानिश लगा के। तो सबसे पहले हम उसको क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे बानिश देंगे। और यहाँ पे आप एम सील भी यूज़ कर सकते हो, इसमें फिक्स किया जाता है एम सील पे भी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं बानिश यूज़ करके उसको फिक्स करूँगा, तो ज़रूर फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सर्विसिंग में हम सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। कॉयल हमारा बाहर में धूप में सूख रहा है, तो इसको छोड़ लेते हैं, कॉयल को छोड़ लेते हैं, तो ये टाइम तो लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ ये जो सर्विस करेंगे, तो इसी को देख लेते हैं कैसा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी उसमें ओरिंग लगता है, तो ओरिंग को खोल लेंगे। सबसे पहले स्टाइकर और पिस्टन, और उसके बाद आपका स्पेशल ट्यूब में 3 ठो ओरिंग यहाँ पे लगता है। सबसे पहले स्टाइकर, पिस्टन और स्पेशल ट्यूब, 3 ठो ओरिंग खोल लेंगे, मोटा वाला भी ओरिंग खोल लेंगे। और यहाँ पे उसका जो ग्रीस कैप है उसको भी, नीचे वाला ओरिंग खोलेंगे। उससे पहले
हमको इसको ये जो ग्रीस कैप लगा है उसको खोलेंगे। ये आसान है, बस ये निकल नहीं रहा था, हमें थोड़ा ऑयल दे दिया था तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल गया। तो मेरे दोस्तों, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाला है और कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है, हम क्या करेंगे अभी उसको किरासिन, नहीं तो आप पेट्रोल, नहीं तो आप डीजल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। सिलेल में यहाँ पे किरासिन यूज़ करने वाला हो, सस्ता पड़ता है और कोई भी दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, किरासिन, पेट्रोल, नहीं तो डीजल, आप तीनों में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके ऊपर अंदर जो रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगता है उसको हम खोल लेंगे। दो ठो यहाँ पे रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगता है, वहाँ पकड़ लो बोस का मशीन है तो यहाँ वहाँ पे एक ही रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगता है, लेकिन उसका जो नीडल बेयरिंग और रोटरी शाफ्ट में थोड़ा गैप रहता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए चाइनीज पहलों ने क्या करते हैं, वो दो ठो रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक भी लगा सकते हो फिक्स करके। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ ये देखिए दो ठो रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगा था, दोनों निकल गया। तो उससे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो सामने वाला टूल होल्डर रहता है उसको हम खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें एक रिटेनिंग रिंग रहता है तो उसको हमको खोलना पड़ेगा। ये सबसे पहले यहाँ पे रिटेनिंग रिंग निकल गया तो ये सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये सपोर्टिंग डाइस बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे हमारा डैम्पिंग सेट और स्टाफ स्लिप मिल जाएगा, उसके नीचे स्टफिंग डिवाइस दो टोन मिल जाएगा, फिर उसका इंडेक्सिंग डिक्स ये भी निकल गया और कंप्रेसर स्प्रिंग भी निकल गया, यहाँ पे रिचर्ड स्लीव भी निकल गया और यहाँ पे हमारा बॉल, इसके जो बॉल रहता है ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत ख़राब होने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा ये निकल गया। और यहाँ पे क्लैंपिंग फ्लेंज के अंदर दो ठो रिटेनिंग रिंग लगता है, सबसे पहले हम एक रिटेनिंग रिंग निकाल लेंगे और उसके नीचे एक डैम्पिंग सेट रहता है, या डैम्पिंग रिंग भी बोल लो, ये है, ये रबर का रहता है, फिर उसके नीचे भी एक रिटेनिंग रिंग रहता है, उसको हम निकाल लेंगे। ऐसे इनर आउटर प्लस से आप यूज करके कोई भी सर्किल निकल सकते हो। यहाँ पे टूल होल्डर और क्लैंपिंग फ्लेंज अलग हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा किरासिन में हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही से देखिए, तो क्या करेंगे अभी, हम थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे। सबसे पहले हमको जितने भी नीडल बेयरिंग है तो सबसे पहले हमको इसी को ही धोना है, क्योंकि नया किरासिन में, नया पेट्रोल में जो भी चीज़ आप यूज़ करें तो बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयरिंग आपको सबसे पहले क्लीन करना है। तो यहाँ पर हम क्लीन करते जाएंगे, फिर एक बंदे को पकड़ लेंगे, उसको पोच लेगा तो सही रहेगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीड करके सब कुछ मैं धो लेता हूँ। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो का जानकारी चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कीजिए, और कोई भी स्पेयर पार्ट्स जरूरत है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो मुझे कमेंट कीजिए, नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा ग्रुप में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं, केवल भारत से नहीं, बहुत पाकिस्तान से भी ज्वाइन किए हैं, नेपाल से भी ज्वाइन किए हैं, तो आप भी जाइए ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बड़ा वाला चीज़ रहता है, उसको हम बोलते हैं इनपक मैकेनिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको पूरा क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाली वगैरह, डस्ट वगैरह बहुत रहता है, तो इसको सबसे पहले अच्छा से क्लीन करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये मत सोचो ये उसको क्लीन नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर में जितने भी क्लीन कर लो कर लीजिए, लेकिन अंदर में डस्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ रह जाता है, फिर वो जैसे कि तैसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा से सब कुछ क्लीन करना है। तो फिटिंग करने का पहला स्टेप है इनपैक्ट मैकेनिज्म में रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगाना। तो सबसे पहला स्टेप है ये, हम क्या करेंगे इनपैक्ट मैकेनिज्म में रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगाएं। तो यहाँ पर डंचिंग का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे दो ठो रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगाएंगे, क्योंकि पुराना वे भी हमारा दो ठो रोटरी शाफ्ट लिफ्ट से लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ग्रीस, मैं आइडल का हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली हमारी ग्रीस है, अगर आपको चाहिए बहुत ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत लोगों ने भी कॉन्टैक्ट किया है और बहुत लोगों ने भी ऑर्डर किया है, तो आप भी कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके एरिया में पार्सल हो जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा ग्रीस लगा के रोटरी शाफ्ट लिफ्ट सेल को लगा लेंगे,
और ऐसे हम एक स्ट्राइकर वगैरह जुगाड़ वगैरह हम करके ऐसे पेड़ लेंगे, नहीं तो आप हाइड्रोलिक जैक में भी इतना प्रेशर नहीं लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा पेड़ने से भी ये आसानी से चला जाएगा। ये इतना गैप रहना चाहिए, एक अगर आप एक पेड़ रहे हो तो इतना गैप रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे दो ठो पेड़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट पेड़ लेंगे। ये देखिए चारों तरफ पूरा फिक्स कर लेंगे नीडल वेयरिंग के पास, तो फिर हम और एक लगाएंगे, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, कोई भी बैंड वगैरह नहीं बैठेगा, अच्छा रहेगा, दौड़ो पेड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका मशीन में मैग्नेट आ रहा है, आर्मेचर में घिस रहा है, तो इसके कारण हो सकता है, क्योंकि इनफैक्ट मैकेनिज्म में जहाँ पे नीडल वेयरिंग बैठता है वो टाइट पहनना चाहिए नीडल वेयरिंग, नहीं तो अगर ढीला हो रहा है तो आपका इंपैक्ट मैकेनिज्म ख़राब है। तो यहाँ पे ये जो लीवर है उसको ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये हमेशा फिटिंग कर लेते हैं लेकिन लीवर नहीं लगाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं लगे हो तो पूरा फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, लीवर को लगाना पड़ेगा आपको मोटर हाउसिंग में, ये जो ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे इंपैक्ट मैकेनिज्म को फिक्स करेंगे, ऐसे हम फिक्स कर लेंगे, स्विच के अपर साइड में उसका मुँह रहेगा, और यहाँ पर चार ठो स्क्रू लगा लेंगे। वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ, टाइम हमारा बच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नया आप मेरे चैनल में हो। तो यहाँ पे टाइट हो गया, बिल्कुल सही से टाइट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपैक्ट मैकेनिज्म फिटिंग करने के बाद हमको क्या करना है, मटर साइड फिटिंग करना है, क्योंकि हमारा ये देखिए फिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैं धूप में सुखाया था तो यहाँ पे भी गड़बड़ी है, तो इसको हम क्लीन काट के हमको दोबारा ऐसा ही चीज़ लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लैंप रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने काट के लगा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे दोबारा उसको फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड में रहना चाहिए, आप किसी भी तरफ बिठा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो तार दोनों साइड जहाँ पे कार्बन लगता है ऐसा ही निकलना है, ऐसे ही आप बिठेगा। ये देखिए ये जो घाटी रहता है साइड में, ये घाटी में ही कॉइल बिठेगा, ऐसे ही बिठेगा। और ये पूरा सीधा करके आप नॉर्मली ये आसानी से चला जाएगा अंगूठी में प्रेस करने में, और थोड़ा पिट भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर में फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए आर्मेचर का कम्यूटेटर साइड है, तो इसलिए हमको क्या करेंगे, आर्मेचर को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बूशिंग, जो ये जो ऊपर में बूशिंग रहता है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, उसके अंदर एक रिटर्निंग रिंग लगता है जिसको सर्कलेट भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेरिंग लगा है 6200, यहाँ पे ये नंबर देखिए 6200 1600 बेरिंग लगा है यहाँ पे, आप 1600 बेरिंग यूज़ कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बंदे कमेंट किया था कैसे हम ये बूश को खोलेंगे, इसको हम बूशिंग बोलते हैं, सॉरी बूशिंग बोलते हैं। तो ये बूशिंग खोलने का आइडिया बहुत आसान है, हम उसके ऊपर जो थ्रेड नट यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमको एक होल करना है, फिर एक नट बोल्ट फिक्स करना है, फिर ये आसानी से यहाँ पे एक टोर्स बन जाएगा हमारा ये इसको खोलने के लिए। यहाँ पे देखिए और इसको हमको टाइट करना है इसके ऊपर, ऐसे नॉर्मली टाइट कर लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इसको ये जो थ्रेड नट है उसको हमको वाइस में पकड़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वाइस में पकड़ लेते हैं, सीधा कर लेते हैं थोड़ा, और वाइस में पकड़ के थोड़ा टाइट कर लेंगे, सीधा करके इसको आसानी से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा भी ये निकल जाएगा, अगर आपके में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ये इस टफिक चीज़ को यूज़ कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। उसके ऊपर जो थ्रेड नट लगता है उसी को एक नया पकड़ लो, नया पकड़ के इसके ऊपर खोल करके नट बोल्ट फिक्स कर लो, और ये देखिए आसानी से निकल गया। तो दोबारा हम उसको भी यूज कर सकते हैं नई आर्मेचर में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नेक्स्ट अप का मैं आर्मेचर यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं ये कैसा क्वालिटी है, लेकिन पहले बार यूज़ कर रहा हूँ तो देखते हैं कैसा क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नया आर्मेचर है, तो आर्मेचर में सबसे पहले बेरिंग को फिक्स करना बहुत आसान है, अगर आपको जानकारी है तो आसानी से हम ऐसे पिट के
फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा हमल लेके हम पिट के फिक्स कर लेंगे। फिर एक हमको जोड़ चाहिए, ये देखिए मैं हमेशा ये पिस्टन पिन यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्राइकर पिन, सॉरी ये 7 kg का स्ट्राइकर पिन है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके लिए पार्सल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, उतने ही होना जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम उसका सर्किल लगा लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है एक मतलब दाग वगैरह लग रहा है, लेकिन ये शायद फिनिशिंग नहीं हुआ है तो इसके कारण ये दाग हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्मेचर में ब्रश होल्डर को फिक्स करेंगे। यहाँ पे ये ब्रश होल्डर फिक्स हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका जो ब्रश गाइड है उसको लगाएंगे, फिक्स करेंगे, अंदर प्रेस करेंगे। फिर उसके 2 स्क्रू लगाएंगे, ऐसे छोटा सा स्क्रू 2 लगता है दोनों तरफ, तो उसको हम लगा लेंगे। स्प्लिट करके वीडियो को स्प्लिट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारा बच जाएगा, बहुत वैसे भी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो पूरा चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आप कार्बन लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको फिक्स करने के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं और आप बाद में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे लगाने में आपको थोड़ा कार्बन टूट भी सकता है क्योंकि एक्समेंट चाहिए आपको भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन लगाने में एक फ़ायदा रहता है, कार्बन आर्मेचर को पकड़ के रखता है और ज़्यादा कम्यूटेटर कार्बन जो गाइड रहता है उसमें टॉस नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। और ये जो देखिए ये जो पत्ती निकला है ये सीधा रहना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल सही से फिटिंग हो चुका है। अभी हम थोड़ा कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही से कार्बन में पावर सप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल सही से फिटिंग हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। उससे पहले हम ये दोनों प्रेशर बोलते हैं उसको, दोनों तरफ लगा लेंगे ब्लैक कलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तार को हम ऐसे जो हमारा राइट साइड में है, तो ये ऐसे हम सीधा ले आएंगे स्पीड गवर्नर के पास, और फिर ये लेफ्ट साइड का भी बड़ा हुआ, दो जो कॉयल में दो बड़ा तार रहता है वो ऐसे हम ले आएंगे स्पीड गवर्नर में लगेगा, और दो छोटा तार रहता है वो कार्बन में लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नया रोटर हिसाब लिफ्ट सेल डाले हो तो यहाँ पे आर्मेचर थोड़ा टाइट में जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपका रोटर हिसाब लिफ्ट सेल टाइट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तक भी आप वीडियो देख रहे हो पूरा बिना स्किप करके, आप नीचे लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और कमेंट में कुछ भी आप लिख लीजिए, तो मुझे पता चलेगा आप वीडियो पूरा देखे हो। तो यहाँ पे हम उसका कार्बन में जो क्लैंप लगता है, जो कॉइल में भी दो छोटा सा तार रहता है, उसको कार्बन में फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो चुका है। और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो स्पीड गवर्नर है उसी में ही 2 तार लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए सबसे पहले वीडियो को, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत काम करना पड़ता है, फिर एक वीडियो बनता है। तो लाइक कीजिए ज़रूर, लाइक करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक करोगे तो वीडियो मेरा बहुत सक्सेस हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट भी कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट जा चुका है, तो हम ऊपर में जो ठो वेरिंग हाउसिंग वेरिंग कवर लगता है उसको लगा लेंगे और 4 स्क्रू फिक्स कर लेंगे। अभी मैं 4 स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ स्वीट करके। तो यहाँ पे टाइट हो चुका है। अभी हम उसके ऊपर लगाएंगे थ्रेड नट, जो हम बोलते हैं उसके ऊपर 10 नंबर एलेंकी यूज करके जो थ्रेड नट खोलते हैं उसको लगा लेंगे हम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लगा के मशीन चालू कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, क्योंकि आर्मेचर ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये थ्रेड नट लगा के आर्मेचर को टेस्ट करना है, जो भी करना है थ्रेड नट लगा के करना है।
और यहाँ पे देखिए तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही से मशीन चल रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्विच को किसी ने डायरेक्ट किया है तो उसी को सबसे पहले हमको फिक्स करना है, ठीक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो कनेक्शन हुआ है तो इसको निकाल लेंगे, सही से फिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको काट लेता हूँ मैं। यहाँ पे किसी ने काट माट करके बहुत गंदा खासा वायरिंग किया है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका मशीन में स्विच नहीं है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पीड गवर्नर का तार को काट चुका है किसी ने, उसी को हम लगा लेंगे। ऐसे हम लगा के उसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, हम क्या करेंगे एक नया वाला स्विच लगाएंगे, क्योंकि स्विच का जो जहाँ पे पुश किया जाता है वहाँ पे ये ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे नया वाला स्विच यूज़ करेंगे। थोड़ा उसके नीचे कार्टून देगा, क्योंकि वो ये जो लीवर है ऊपर में जो लीवर लगा है ब्लैक कलर का, ये ख़राब होने से थोड़ा ढीला हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कार्टून मतलब पैकिंग दे सकते हो। यहाँ पे मैं पैकिंग दे दिया और यहाँ पे वायरिंग कर लेंगे। आपको भी मालूम होगा वायरिंग करना, अगर आपको मालूम नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिए। और यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड गवर्नर में दो दो पॉइंट लग जाएगा हमारा कॉइल से जो पॉइंट आया है। स्पीड गवर्नर के नीचे भी दो पॉइंट निकला है, वो डायरेक्ट हमारा स्विच में लग जाएगा और स्विच के ऊपर दो स्क्रू मिल जाएगा, वहाँ पे हमारा पावर सप्लाई का लग जाएगा। ये है चीज़, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मशीन रिपेयर करो तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसका मोटर साइड फिक्स करना है। जैसे मैं यहाँ पे मोटर साइड फिक्स किया, उसके बाद हमारा हामरिंग साइड आ जाएगा। यहाँ पे हम हामरिंग साइड काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मटर साइड है वो ज़रूरी है हमको पहले काम करना, क्योंकि वहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेंगे तो बिना प्रेशर में जो मटर हमारा चलेगा तो हमको पता चल जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये गियर को हमको लगाना है, चारों तरफ थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं हमेशा आइडल का ग्रीस यूज़ किया हूँ और बोस का भी ग्रीस यूज़ किया हूँ, तो हमेशा आप ऐसा ही ग्रीस यूज़ कीजिए क्योंकि अच्छा रहता है मशीन के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कगोइल या फिर गियर को हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ओरिंग, ये देखिए ये पुराना वाला ओरिंग है, तो स्टाइकर वगैरह स्टाइकर पिस्टन को फिक्स लगाएंगे, उसको छोड़ लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसी का कनेक्टिंग रॉड लगाएंगे। कनेक्टिंग रॉड में जो छोटा छोटा बॉल निकलता है तो उसी को हमको लगाना है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लगा लेंगे, तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा तो इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। एक एक करके आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है, और चारों तरफ थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए क्योंकि ये बॉल निकल भी जाता है। तो ऐसे हम चारों तरफ ग्रीस लगा लेंगे क्योंकि ये जो बॉल इधर उधर ना जा पाए। तो अभी हम क्या करेंगे, पिस्टन में नया दो ठो ओरिंग लगाएंगे। और देखिए ये, देखिए ये मैं मोटा वाला एक ग्रीस यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स करके रख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीस रहना चाहिए। अगर हम जेली ग्रीस लगाएंगे तो ये वहाँ से नीचे निकल जाएगा, तो इसलिए हमेशा हम जहाँ पे जो चीज़ यूज करना चाहिए वही चीज़ यूज़ करेंगे। दोनों साइड में हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे ताकि ये जो पिस्टन पिन है वो निकल ना जाए। और यहाँ पे हम नया वाला ओरिंग डाल रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर का ओरिंग लगा था। और चारों तरफ हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे आइडल का। यहाँ पे ये लग चुका है, तो अभी दोस्तों ये ऐसे ही जाएगा सीधा। और थोड़ा जो कनेक्टिंग रॉड रहता है वो थोड़ा ऊपर में थोड़ा बड़ा रहता है,
तो उसी पोजीशन में हमको ये रखना है। एक साइड आपका अगर आप कनेक्टिंग रड देखोगे तो एक साइड थोड़ा ऊंचा रहेगा, ऊंचा हमको ऊपर रखना है। ये देखिए ये ऊपर से लग जाएगा। ऐसे हम फिक्स कर लेंगे, थोड़ा कॉइल को बाहर ला के फिक्स कर लेंगे। अभी हम हमर पाइप को लगाएंगे। और ये देखिए ये जो होल रहता है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये जो होल ये ऐसे रहेगा विदाउट, बिना होल वाला नीचे रहेगा और होल ऊपर रहेगा। फिर हम थोड़ा ग्रीस ग्रीसिंग कर लेते हैं। ग्रीसिंग भी हो चुका है मेरा। और यहाँ पे ये देखिए एक हाथ में नीचे से पकड़ना है आपको पिस्टन को, फिर हमको सीधा करके पिस्टन को इसके अंदर ये हमर पाइप घुसाना है। तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये अंदर चला गया। तो ये चारों तरफ टाइट में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नहीं रहना चाहिए, अंदर जाकर फिक्स हो जाएगा उसका इनफैक्ट मैकेनिज्म। फिर हम क्या करेंगे, हमार ग्रीस देंगे आइडल का यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे ये जो हम पाइप में 130 से 150 ग्राम ग्रीस लगता है। आप दे सकते हो, ज़्यादा देने से दिक्कत होगा, नीचे कम देने से भी दिक्कत होगा। आप पकड़ लो, एवरेज पकड़ के आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे दिया। और अभी हम क्या करेंगे, स्ट्राइकर में लगाएंगे ओरिंग, और ओरिंग लगा के थोड़े चारों तरफ ग्रीस लगाने के, ताकि एयर जो हमेशा परफेक्टली काम करे, एयर ना लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे हम अंदर घुसा लेंगे। ये ऑटोमेटिक थोड़ा नीचे जाके ये फिक्स हो जाएगा, ये टाइट से रहेगा, क्योंकि नीचे ग्रीस प्रेशर में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला कंप्रेसर स्प्रिंग हम लगाएंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे ये कंट्रोल बुशिंग, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बुशिंग। इसको हम ऐसे थोड़ा ग्रीस लगा के लगा लेंगे। तो उसके ऊपर हमारा ये जो स्प्रेसर ट्यूब रहता है जो ब्लैक कलर का, ये थोड़ा भारी रहता है। देखिए एक थोड़ा कम भारी रहेगा, एक एक थोड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, जिसमें ओरिंग लगता है। यहाँ पे ओरिंग में लगा लिया, इसको हम बोलते हैं स्प्रेसर ट्यूब। आपको देखने से पता चल जाएगा उसके अंदर ओरिंग लगा है, और नीचे थोड़ा लोहा लगा है, तो इसलिए हमको इसको नीचे रखना है ऐसे उल्टा करके। उसके ऊपर हमारा रह जाएगा कंट्रोल डाइस। तो ये देखिए ये पूरा हल्का रहता है, उससे जो ब्लैक कलर का मैंने लगाया उससे पहले, और उसको उसके ऑपोजिट साइड में ऊपर में लगाना है, और उसके ऊपर एक ओरिंग लगेगा, मोटा सा ओरिंग रहता है, उसको लगाएगा। हमेशा ये ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्राइकर है उसके ऊपर ग्रीस नहीं लगना चाहिए। मैं जिसे साइड में लगाया, आप वैसे साइड में लगा लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, उसके बैक साइड में लगाएंगे ग्रीस कैप, ग्रीस कवर बोलते हैं। तो ग्रीस कवर में ओरिंग में लगा लिया, ऐसे हम लगा के चारों तरफ चट्टो स्क्रू फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए पावरफुल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। इस टाइप का वीडियो मैं कभी नहीं बनाया था। पहले 11 बजे बैकग्राउंड का वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मेरा वॉइस नहीं था, पहला वीडियो बनाया था। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले लाइक करना है आपको वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने से जानकारी आपको हमेशा कंप्लीट मिलेगा। अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखे हो, तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट कीजिए, एंडिंग के तक देख लीजिए। 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे उसके ऊपर लगा के फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करना है, उसका हाउसिंग लगाना है, कवर लगाना है, हमर पाइप हमर जो इंटेक मैकेनिज्म होता है उसका कवर लगाना है। तो ये फिक्स हो चुका है। हम क्या करेंगे, अभी क्लैंपिंग फ्लेज को फिक्स करना है, जैसे कि हम बोलते हैं टूल होल्डर जिसको बोलते हैं उसको। सबसे पहले हमको मैं ये खोल चुका था, तो इसलिए हमको सबसे पहले क्लैंपिंग फ्लेज को लाना है। उसके अंदर हम ये टूल होल्डर, ये देखिए ये क्लैंपिंग फ्लेज है, और मैं जो राइट हैंड में पकड़ा हूँ ये उसका, ये देखिए ये टूल होल्डर है। हमेशा यहाँ पे ये खाज अगर खा गया है तो आप ये देखिए ये दोनों चारों तरफ सही से होना चाहिए। अगर एक पतला एक मोटा है तो आपका बीट हिलेगा, और ज़्यादातर मशीन में बीट भी टूट जाता है, तो इसलिए ये कारण है। और यहाँ पे देखिए ये टूल होल्डर फिक्स हो चुका है। अभी हम टूल होल्डर को अंदर लेके थोड़ा ग्रीस लगाएंगे चारों तरफ, क्योंकि हमेशा परफेक्टली काम करना चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, और ग्रीस लगा के हम क्या करेंगे, सर्किल। सबसे पहले यहाँ पे दो सर्किल रखते हैं, और एक
डैम्पिंग रिंग लगता है, सबसे पहले एक सर्क क्लिप लगाएंगे, कोई भी सर्क क्लिप लगा सकते हो, उसमें दो ठो सर्क क्लिप है, दोनों सेम ही है। आप सबसे पहले एक सर्क क्लिप लगा लीजिए और फिर हम डैम्पिंग रिंग लगा लेंगे, यहाँ पर लग गया है। और फिर उसके ऊपर एक सर्क क्लिप लगाएंगे, ये नहीं मिल रहा है तो ये देखिए ये सर्क क्लिप मिल गया, इसको भी हम ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है आपको ये फिक्स करना है, और होल जैसे कि ऊपर में होल और टूल होल्डर के अंदर में होल रहता है, उसी को हमको जगह में उसको परफेक्टली रखना है। फिर चारों तरफ थोड़ा ग्रीस लगा लेना है, और ग्रीस लगा के उसमें बॉल लगाना है, यहाँ पे बॉल एक एक बॉल करके लगा लेंगे चारों तरफ। यहाँ पे चारों तरफ वॉल लग गया है और चारों तरफ थोड़ा ग्रीस को फिक्स कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसके नीचे रिचर्ड स्लीव लगता है जो प्लास्टिक का रहता है ब्लैक कलर का, उसी को लगा लेंगे। उसके ऊपर रिटर्निंग स्नैप रिंग लगा लेंगे, ये देखिए जो घाटी वगैरह रहता है ये घाटी में बैठना चाहिए, रिटर्निंग स्नैप रिंग। और उसके ऊपर कंप्रेसर स्प्रिंग, जो छोटा वाला बड़ा वाला हम अंदर में लगा चुका है, अब ये छोटा वाला ही बाकी है, छोटा वाला लगा लेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग डिस्क लगा लेंगे, और उसके चारों दोनों साइड में दो ठो स्टफिंग डिवाइस लगता है, ऐसे काजू टाइप का रहता है, दोनों को ऐसे फिक्स कर लेंगे। ये दोनों फिक्स हो चुका है। तो इसको जानकारी के लिए एक छोटा छोटा मैं वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ा फिक्स नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके फिक्स कर लेते हैं। चलो ये फिक्स हो चुका है, ऐसे हमारा फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाना चाहिए हमको, तो अभी ये ग्रीस लग चुका है। अभी उसके ऊपर हम ये स्टाफ स्लीव देंगे, उसको हम बोलते हैं स्टाफ स्लीव, और उसके ऊपर हमारा डैम्पिंग रिंग लग जाएगा, मोटा वाला थोड़ा रहता है। तो अभी हम उसका सपोर्टिंग डैश को फिक्स करेंगे। अगर आपके मशीन में टूल होल्डर जो सामने वाला सब कुछ निकल रहा है तो ये सपोर्टिंग डैश का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आपका ये जो रिटर्निंग रिंग में लगाया ये दोनों के कारण आपका टूल होल्डर में जितनी भी चीज़ें निकल जाता है इसी के कारण। तो यहाँ पे हम उसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए हमको प्रोटेक्शन क्लिप लगाना पड़ेगा, लगा के थोड़ा प्रेस करके पकड़ के हमको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगा इसको फिक्स करने में। ये फिक्स हो गया, अभी हमको क्या करना है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप लगाना है। उससे पहले हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा ग्रीस नहीं देना है हमको, थोड़ा ग्रीस लगाना है। अभी हम इसका प्रोटेक्शन स्लीव लगा के और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप लगाएंगे, और ये फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाएंगे चारों तरफ इसके अंदर लगा के, फिर हमको क्या करना है, स्ट्राइकर फिन लगाना है। और नीचे हमारा स्ट्राइकर लगा है, उसके ऊपर स्ट्राइकर पिन लगा के चारों तरफ से एक ओरिंग लगता है उसको लगाएंगे क्लैंपिंग फैंज में। ये हमारा फिक्स हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको चार ठो स्क्रू फिट करना है। अभी हम क्या करेंगे, चार ठो स्क्रू फिट करेंगे, और वीडियो को थोड़ा स्पीड करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे हम थोड़ा टाइट करके एलेंकी में पूरा कंप्लीट टाइट कर लेंगे। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे ग्रीस लगा लेंगे, ग्रीस कवर में, ग्रीस कैप में ग्रीस लगा के। दोस्तों यहाँ पे ये जो होल रहता है, हमेशा एक कोई भी बंदा इस होल को निकाल के ग्रीस डाल लेता है अंदर, लेकिन उसको उसको मालूम रहता है, जैसे कि वो सोचता है इसके अंदर ग्रीस देने से हैमरिंग बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ज़्यादा जितने भी ग्रीस डाल लो उसमें हैमरिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये जो होल दिया गया है इसके अंदर गियर रहता है जिसको हम पॉग होल बोलते हैं, इसी के कारण वहाँ पे होल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा मशीन में चला लेते हैं,
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही से फिटिंग हो चुका है, तो उसका बैक कवर लगा लेते हैं और स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैं धारा कंपनी का सिप प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिप प्लेट बिल्कुल भी नहीं था, तो ये धारा कंपनी का मैं सिप प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फिनिशिंग चीज़ रहता है। और ये देखिए सिप प्लेट लगाने का तरीका, ये देखिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, फिर उसके अंदर जो लीवर रहता है थोड़ा पुश करेंगे, टेकेंगे, और फिर हमको इसे प्रेस करना है, ये आसानी से लग जाएगा। तो अभी हमारा मशीन बिल्कुल चलने का लाइक हो चुका है, बिल्कुल फिटिंग हो चुका है। अभी हम उसका चीजल पुश करके लगा लेंगे, अभी टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने का बारी है, आप उसका हमारिंग देख लीजिए। और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।